नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, जिम्बाब्वे से टीम इंडिया की जो बी टीम थी बेचारी, जो जिसमें सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, वो हार गई तो बड़ा तबाही मचा, ये हुआ वो हुआ, बड़ी खिंचाई की गई कि ये तो बच्चे हैं और ऐसा है वैसा है। लेकिन उसके बाद बच्चे जो हैं वो बाप बन गए और उन्होंने अगला मैच जो है वो धो दिया। तो रमीज राजा शॉक यंग इंडिया डिस्ट्रॉयड जिम्बाब्वे, इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे सेकंड T20। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है। इस केस के खिलाफ नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं। एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके जेहन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं। बट कहीं ना कहीं खौफ ज्यादा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये अंडर 19, अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी टॉप ऑर्डर। देखिए, जो बात कही है ना रमीज राजा ने, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं अपने वीडियोस में कि देखिए, हमारे यहां ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, आज ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं। बुमराह को आप देखिए, जब वो शुरू में अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 खेलते थे, उस समय भी वो भूख उनकी आंखों में नजर आती थी। उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिला, कंपटीशन था, एक्सपीरियंस मिला, मेहनत की, हरदम दिमाग लगाया कि नहीं यार इस बार क्या करूंगा, अगली बॉल पे क्या करूंगा, अगली ओवर में क्या करूंगा, ये इस बैट्समैन को ये ऐसा नहीं मैं आउट कर पा रहा हूं तो इसके लिए ऐसा ट्राई करता हूं। ये शुरू से ये चीज उनके जहन में डाली जाती है। तो इससे होता क्या है, आप मेंटली अपने उस लड़के को स्ट्रांग कर रहे हैं कि सिचुएशन किसी भी तरह की आ जाए, हार नहीं माननी। और ये जो पिछले 10-15 साल में जो मेहनत की गई है, वो मेहनत रंग ला रही है हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में, हमारे खिलाड़ियों की सोच में, हमारे खिलाड़ियों के अप्रोच में। तो कॉन्फिडेंस नजर आता है आपको, आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान से मैच में देखिए 119 रन को डिफेंड कर लिया। साउथ अफ्रीका से मैच में देखिए, उस हालत में भी जब 99% श्योर था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, तभी लड़ना नहीं छोड़ा और जीत गए। अंडर 19 में पहले भी जब विराट कोहली अंडर 19 खेलते थे, रोहित शर्मा अंडर 19 खेलते थे, उस वक्त भी ये चीजें होती थी और आज भी हो रही। ये टीम बता रही है कि देखो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार है, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे और वो टफ होते जाएंगे। ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे। हम बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया। ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया और बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भारत के लिए। लेग स्पिनर है, क्विक थ्रू द एयर है, पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। सो ओवरऑल बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भारत को और ये भारतीय यंग ब्रिगेड को, मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। 100 रन से मैच हराया है जिम्बाब्वे को। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ही इंटरनेशनल T20 में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे तो मुझे ये सब करना होगा। ये वो खामोश जंग होती है जो क्रिकेटर करता है कि भैया मेरा मौका है, मेरी अपॉर्चुनिटी है। जो कप्तान बना हुआ, जो इंडिया के लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला हुआ शुभमन गिल, उसकी विकेट गिर गई, उसके बाद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से,
कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या, मतलब मैदान चेंज हो गया था हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या, अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बनाई नहीं है ना जाने कब से, कि 200 को तो तरस गए आप, पिच आपको जो भी दे दो, वजह बाबर आजम और रिजवान। अब ये बच्चे को क्या मतलब, आईपीएल में मारता है ये, इंटरनेशनल में नहीं मार रहा। अच्छा आप कह रहे होंगे अभी ये तो जिम्बाब्वे, तुम्हें पता है जिम्बाब्वे की इस वक्त की बॉलिंग उस बॉलिंग से बेहतर है? ये बॉलिंग में तंडाई चिटारा वापस आया हुआ है, टेस्ट का बॉलर असद चफीक को परेशान, पाकिस्तान मिस बॉल अलग विकेट ली भी होता बड़ी बड़ी, दो तो वो वाले वापस आए पुराने मुजरबानी, इंडिया को हरा दिया किसने, जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। अच्छा यार उसको उसका काउंटर क्या होता है? हाँ। उसका काउंटर तो फिर यही बनता है ना यार, अच्छा तुमने हराया, तुम्हें तुम्हें इतने रन से मारेंगे 200। अबे इस ग्राउंड के स्टैट्स पागल हो गए, पागल हो गए, बनते ही नहीं है। घंटे के फैन कहीं ना कहीं से चक्करों में थे, झटके के मतलब छक्के देखा है क्या? अभिषेक शर्मा के 8 छक्के देखे हैं हराने में, 100 रन से जब मारते हैं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के फेलियर थे कल, ऋतु का भी और इसका भी, ठीक है। रिकवरी कैसी है, रिकवरी कैसी है, गैरत कैसी है? अभी मैं ये इस बात पे अगर मैं बता दूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बनिस्बत जिम्बाब्वे के कम है, कम है, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है इंटरनेशनल, मुजरबानी, वो पता है क्यों? वो खेले में मेरे घंटे के किंग के साथ, वो खेले में मेरे शबेराती के साथ, वो खेले में मेरे क्लास के साथ, सिकंदर रजा, ठीक है, उसका टच आ रहा था, सिकंदर रजा पाकिस्तानी टच, तेरी ऐसी की तेजी कैसा भगाया उससे बताइए, भगा दी, लिटा दिया, घुसा दिया। जिम्बाब्वे की पिचेस नॉर्मली स्लो है और यहाँ भैया यहाँ 140-150 फाइटिंग स्कोर, ऐसी जगह पे साले 14 छक्के मार दिए, 20 चौके मार दिए, ऋतुराज गायकवाड़ 77 रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह 42 मार गया, 42 5 छक्के मेरे रिंकू ने, रिंकू ने तो अभिषेक से भी तेज बैटिंग की है। अच्छा फिर अभिषेक ने तो बिल्कुल ही पारित कर दिया, अगर कोई दूसरा शर्मा मिलेगा तुम्हें तो अभिषेक शर्मा मिलेगा, इसके अलावा कोई, ओनली ही ओनली टॉक्स अ सिंगल इंटरनेशनल मैच टू एक्सप्लोड हिमसेल्फ, कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ टीम के साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री, 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम, अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारे, बाबर आजम को बोल दो ना, पहला 133, पहला 50-33 बॉलों पे और अगला 50-13 बॉलों पे यार, अगला 50-13 बॉलों पे, क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार, किसने पट्टी बढ़ाई है, के पीछे वाली टीम तैयार कर रहे हैं जिम्बाब्वे में, खास करके अभिषेक ने जिस तरह से मतलब वहाँ रुक के और जब वक्त आया तो जिस तरह से उसने पेडल दबाया भाई वो कमाल था यार, मतलब फ्रॉम दी 8 ओवर ऑनवर्ड दे जस्ट टुक अपार्ट द जिम्बाब्वे अटैक, मतलब एक वो जो क्या था मेयर्स करके डियोन मेयर्स, उसके तो ओवर में 28 रन कूट दिए उठा के अभिषेक शर्मा ने उसको, मतलब छक्के चौके, बट इट्स वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से, इसलिए कि कल जिस तरह से हारे थे तो मतलब यू नो इट वॉज लाइक टोटली एक जॉल्ट इनको पढ़ा के यार ये क्या हुआ, मतलब हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए 13 रन से, इट्स अ गुड साइन के इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी, दे डिडंट रिपीट दोज मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की ये जो यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने आप बेसिकली जो है इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बनना है, तो लाइक दे शो टुडे दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे कैन कम बैक मैन, बट द वे दे वन द मैच टुडे दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन, मतलब टोटली दे क्रश्ड जिम्बाब्वे टुडे, और जो रईस की कसर थी वो जिस तरह सिकंदर रजा आउट हुआ अवेश की गेंद पे, दैट जस्ट शोड के कितनी डोमिनेंस थी इस इंडियन टीम की, वो मतलब उसको पता ही नहीं चला सिकंदर रजा को कि वो शॉर्ट पिच थोड़ी सी की अवेश ने, वो मतलब ही वाज टोटली कॉट इन नो मैन लैंड और सीधे उसने पीछे कीपर को कैच दे दिया, उठा के बॉल ऊपर गई तो जुरेल ने कैच ले लिया, तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वन साइडेड मैच कर दिया था, वो चीज़ आज अभिषेक ने इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई, डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल एंड ही आई थिंक ही स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट व्हाट यू कॉल इट T20 100 बाय इंडियन, और मजे की बात ये कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो क्योंकि ये डाटा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स टू गेट टू 100 बाय हिटिंग 3 सक्सेसिव सिक्सेस, जो उसने हैमिल्टन को 3 छक्के लगाए हैं, मतलब अब फिर जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो तो भाई फिर आपके एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तो दोस्तों वीडियो खत्म, और यही मैं कहता हूं कि दूसरी टीमों को इंडियन टीम से यह बात सीखनी चाहिए कि आपने गलती की पिछले मैच में और वो गलती अगले मैच में दोहराई नहीं गई, तो ये होता है असल टैलेंट, कि आपने देखा कि यार ऐसे कैसे गड़बड़ी होगी मेरे से, जिम्बाब्वे से हार के हमारी ये गलतियां हुई हैं,
और वो गलतियां अगले मैच में गायब, और इस कदर गायब कि आपने अगली टीम को ऐसे धोया जैसे मतलब वो टीम आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। तो इससे मैसेज क्या गया, इससे मैसेज ये गया, पहला मैसेज कि इंडियन टीम ने फौरन अपने आप को रेक्टिफाई किया, अपनी गलतियों को सुधारा। दूसरा मैसेज, इंडियन टीम मेंटली इतनी स्ट्रांग टीम है कि उसने अपनी पिछली गलतियों को फिर अगले मैच में हावी ही नहीं होने दिया, असर ही नहीं आया कि पिछला मैच हारे थे ये अभी बुरी तरह से, और अगला मैच उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। 100 रन से हराना T20 में कोई मजाक का काम नहीं है, जैसा कि आप सुन भी रहे थे जो ये लोग कह रहे थे। तीसरी चीज कि टीम इंडिया की अगली पीढ़ी दिख गई है कि वो कितनी मजबूत है। T20 से रोहित शर्मा रिटायर, जडेजा रिटायर, विराट कोहली रिटायर, और भी कई सारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, तो दुनिया को दिख गया कि जो अगली खेप आ रही है, अगली जनरेशन जो आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो भी है शर्मा जी अभी थे, शर्मा जी का बेटा एक और आ गया, तो शर्मा जी के बेटे से दुनिया को छुटकारा नहीं मिलने वाला। एक शर्मा जी का बेटा गया तो दूसरा शर्मा जी का बेटा आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगली पीढ़ी भी उतनी ही सक्षम दिख रही है जितनी सक्षम अभी मौजूदा क्रिकेट पीढ़ी थी, या इसके पहले वाली जो तेंदुलकर वाला एरा था, जब गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, सहवाग, ये जो एरा था, उससे अगली टीम आई वो भी वैसी मजबूत टीम आई, उससे आगे दो स्टेप आई, अब अगली जो आएगी इससे भी दो स्टेप आगे आएगी। आप समझ रहे हैं, सेकंड 50 13 बॉल में मारी है उस लड़के ने, अभिषेक ने 13 गेंदों में 50 रन। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसको एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरनेशनली, और एक्सपोज होगा बंदा ये अब और बॉलर्स के सामने, तब इसका टैलेंट और निखरेगा, इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तब समझ रहे हैं कि ये क्या होगा लड़का आगे जाके, अगला रोहित शर्मा, अगला विराट कोहली होगा ये। तो कुल मिलाकर ये है कि जो काम हम ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, उसका असर दिख रहा है टॉप ऑफ द टीम, उसकी परफॉर्मेंस में दिख रही है असर। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय टीम का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है, क्या रोहित और विराट के जाने के बाद टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो डाउन होने लगेगी, या ये जो नए लड़के आ रहे हैं वो रोहित और विराट की जगह ले लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।